आदाब नाज़रीन, खटियाल न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मुजफ्फर शाह का प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज। जम्मू व कश्मीर की हुकूमत कामकाज में आला शिफाफियत को बरकरार रखती है। पुंछ में पुरस्कार हालत में फौजी की मौत। भारत में 90,928 नए COVID-19 केसेस, 2,630 ओमिक्रॉन केसेस। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीरे आला SSG सिक्योरिटी से महरूम। वादी में महकमा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को अफरादी कुव्वत की कमी, अनंतनाग में 9 के बजाय महज 3 फूड इंस्पेक्टर तैनात। NHW 448 ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद। मरकजी वजारत सेहत के अदादोशुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में जुमेरात को ओमिक्रॉन के 495 केसेस की एक दिन में सबसे ज्यादा तादाद देखने को मिली, जिससे कोरोना वायरस में नई किस्म की इन्फेक्शन की कुल तादाद 2,630 हो गई है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने वाजह कर दिया है कि श्रीनगर में ऑक्सीजन की काफी सहूलियात दस्तियाब है। अब लगभग 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है हम इस वायरस से जूझ रहे हैं, और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम ये फुल्ली हर कोई शख्स, एक एक शख्स अपनी जिम्मेदारी समझे कि अगर हम प्रोटोकॉल को ब्रीच करेंगे तो वायरस से माफ़ी नहीं मिलेगी। पब्लिक को मैं सभी को अपील करना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, सभी को मालूम है। और मिसाल के तौर पर पूरे शहर में अगर किसी मार्केट में एक शख्स मास्क नहीं पहन रहा तो वो एक शख्स भी पूरे एरिया के लिए, पूरे मार्केट के लिए खतरा साबित। स्टाफ हमारे पास सफिशेंट है, कोई डेफिसिट नहीं है। जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी डिपेंडिंग अपन पेशेंट लोड, जो 500-bedded हॉस्पिटल के बारे में आपने पूछा है, जब जब पेशेंट लोड बढ़ता है उसी हिसाब से मेडिकल स्टाफ भी हमारा वहाँ डिप्यूट होता रहता है। फंडामेंटली वो मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में फॉर्चुनेटली जो हमने सैंपल्स अभी तक जो भेजे हुए सैंपल हैं उनमें से कुछ रिजल्ट आने बाकी हैं कुछ के, लेकिन जिनके रिजल्ट आ गए हैं वो उसमें ओमिक्रॉन की कोई प्रेजेंस का सबूत नहीं है। लेकिन देखिए वायरस का जो ट्रांसमिशन है ये कम्प्लीटली बॉर्डरलेस है। वही रात के कर्फ्यू के नफाज को एक फजूल मश्क करार देते हुए मकामी लोगों ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि लोग कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क पहने, सामाजिक फासला बरकरार रखें और हिफाजती असूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा दी जाए। काबिल जिक्र बात यह है कि इंतजामिया ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी नकल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया है। JKNS के लिए फिरदौस नज़ीर की ये रिपोर्ट। कल एडमिनिस्ट्रेशन से एक ऑर्डर आ गया है कि 9 बजे शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक जो लॉकडाउन रहेगा, कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू, मुझे लगता है कि इट्स फ्यूटाइल, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर में जो विंटर होता है ऑलरेडी लोग घरों में ही बैठते हैं शाम को, यहाँ पे तो 7-8 बजे पूरी जो लाइफ है ठप हो जाती है। मुझे लगता है वो एक नो गुड स्टेप है। मुझे लगता है उनको देखना चाहिए कि दिन में क्या क्या वो इकदाम ले सकते हैं, लाइक जहाँ पर गैदरिंग हो सकती है वहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो एक अलार्मिंग केस है, तो इस सिनेरियो में उनको दिन में कोई स्टेप लेना चाहिए ताकि रात को क्या फ़ायदा आएगा, रात को तो लोग कोई चलता नहीं है। काबिले सराहना है क्योंकि गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव उठाती है लोगों की बेहतरी के लिए होता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि रात को कर्फ्यू लगाना चाहिए जिससे कि हम कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों की अच्छाई के लिए है। हुकूमत की तरफ से वाजह कर दिया गया है कि जम्मू व कश्मीर में तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी में शफाफियत को फरोग देने के लिए राख तोड़ने वाले इकदाम किए हैं। जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने वेब पोर्टल एम्पावरमेंट माने शिफाफियत के लिए कामों की निगरानी और अवामी जायजों को फ़ाल करना या जनबागदारी शुरू किया, जो शहरों को अपने इलाकों में लागू किए जाने वाले कामों या प्रोजेक्टों का जायजा लेने और तरक्की के अमल में शराकत दार बनाने के काबिल बनाता है। मेंढर पुंछ में KG सेक्टर के बलनवी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक फौजी अहलकार की पुरस्कार हालत में मौत हो गई। मुतवफ़िक की शिनाख्त उत्तराखंड के अनिल चौहान के तौर पर हो गई है।
आम मजदूरों अर्बन लोकल बॉडीज के योमिया उजरत वालों ने लंगेट में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कम अज कम उजरत को नाफिज और खिदमात को बहाल करने का मुतालबा किया है। जीकेएनएस के लिए बट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। एहतजाजी मुजाहरे की क्यादत सदर सफाई कर्मचारी कैजुअल लेबर यूएलबी कश्मीर जहूर अहमद कर रहे थे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में हदबंदी कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया और आज क्योंकि हमने एक सेमिनार की कोशिश की थी करने की लाला रुख में सरकार ने वो नामंजूर किया, इसलिए हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा आज के दिन के लिए। और आपने देखा कि यहाँ के आवाम क्या चाहती है कि भाई आप मेहरबानी करके 370 और 35A की बहाली की आप जोरदार तरीके से शुरुआत करें। जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई बुलाएगी। उसके साथ साथ मैंने जब कहा कि डिलिमिटेशन हमको तब तक नामंजूर है, क्योंकि आजकल एक हमारे कश्मीरी पंडित भाई ने भी ये शोर उठाया है, सरदार भाई भी उठा रहे हैं, गुजर बकरवाल हमारे पहाड़ी वो भी उठा रहे हैं, और बिलखसूस जो 25 लाख हमारे महाजिर कश्मीर से पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस में है, जब तक उनकी आप उसमें शमूलियत नहीं रखेंगे तो डिमिलिट्रेशन तो बेमाने है। जम्मू और कश्मीर के 4 साबिक वज़ीर-ए-आला बशमूल फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद के अपने स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम होने का इम्कान है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के इंतजामिया ने अलर्ट यूनिट जिनको 2000 में कायम किया गया था को समेटने का फैसला किया है। आज ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने एक बार फिर आवाम से अपील की है कि NH-W-44A बंद है। जम्मू से श्रीनगर और उसके बरक्स ट्रैफिक की नकलो हरकत की इजाजत नहीं है। को लेके आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग वापस चले जाएं, क्योंकि कश्मीर की तरफ किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ा जाएगा। भारी बारिश व बर्फबारी के कारण आगे पसियां आ गई हैं, आगे बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं, रास्ता क्लोज है। आज 6 जनवरी है, कोई चांस नहीं है रास्ता खुलने का, ना शाम को खुलेगा, कल भी कोई चांस नहीं है। कल क्योंकि अगर मौसम ठीक हुआ तो कल साफ सफाई का काम किया जाएगा, क्योंकि मशीनरी लगी हुई है, मगर आगे मौसम बिगड़ा हुआ है, बारिश जारी है। आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग वापस जम्मू चले जाएं, यहां दरबदर मत हो, क्योंकि रास्ता नहीं खुलेगा। ट्रैफिक पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, हमेशा आपके साथ है। वादी कश्मीर में बिलअमूम और जिला अनंतनाग में बिलखसूस गजाई अजनास की मियार की जांच पड़ताल करने वाले महकमे की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को अफरादी कुव्वत की कमी के बाइस गैर मियारी अशियाई खुर्दनी तैयार करने वाले और फरोख्त करने वाले अफराद के वारे नियारे। जेकेएनएस के लिए जावेद गुल की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में बिलअमूम और जिला अनंतनाग में बिलखसूस गजाई अजनास के मियार की जाँच पड़ताल करने वाले महकमे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को अफरादी कुव्वत की कमी के बायस गैर मियारी अशियाई खुर्दनी तैयार करने वाले और फरोख्त करने वाले अफराद के वारे न्यारे। जनूबी ज़िला अनंतनाग में मजकूरा महकमा के लिए अगरचे 9 फूड इंस्पेक्टरों की तैनाती मकसूद थी, ताहम 9 ब्लाकों पर मुश्तमिल ज़िला के लिए सिर्फ 4 इंस्पेक्टर तैनात है। महकमा के एक इंस्पेक्टर ने नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा है कि ज़िले में महकमे के साथ 8,000 के करीब कारोबारी इदारे दर्ज है, जबकि 8,000 से 10,000 इदारे ऐसे हैं जिनका इंदराज अभी नहीं किया गया, और गैर इंदराज शुदा दुकानदारों या सनतकारों का ताल्लुक ज़िले के दूर दराज इलाकों से है। उन्होंने मजीद बताया है कि अफरादी कुव्वत की किल्लत के बायस दूर दराज इलाका जात में पहुँचना बहुत ही दुश्वार होता है। एक बिजनेस यूनिट की जांच पड़ताल करने के लिए और खाने की अशिया के नमूने हासिल करने की गर्ज से 2 घंटे का वक्त दरकार होता है, जबकि एक इंस्पेक्टर को हर रोज़ कम से कम 2 नमूने लेने पड़ते हैं। इन्होंने कहा, उनका मजीद कहना है कि साल भर में 2 से 3 बार एक बिजनेस यूनिट की जांच करनी ज़रूरी है, जो कम कलील मुलाजमीन होने की वजह से मुमकिन नहीं, और अगर बारी के हिसाब से कारोबारी इदारों की जांच पड़ताल की जाए तो 3 साल से ज़ायद वक्त के बाद दोबारा
बिजनेस यूनिट की बारी आएगी। नुमाइंदे की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में अफसर मौसूफ ने इस बात का एतराब किया है कि इस चीज का फायदा मिलावट करने वाले और जायदुल मियाद अशाई खुर्दनी फरोख्त करने वाले और बगैर रजिस्ट्रेशन के अपनी दुकानें चलाने वाले अफराद को बराए रास्त फायदा मिलता है और इसका बुरा असर आम लोगों पर पड़ता है। उन्होंने ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि मजकूरा महकमे की अफरादी कुव्वत को बढ़ाया जाए। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैजियाब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।